उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार पहुंचे और कनखल दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 9 से 15 अगस्त तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग जगह पर पदयात्रा कर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे। इसके साथ ही ईडी के बुलावे वाले सवाल पर कहा कि कांग्रेस नेता तो ईडी के सामने जाएंगे ही, लेकिन जिस बदले की भावना से काम हो रहा है उसके खिलाफ आगामी 21 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन होगा। हरिद्वार से हर्ष तिवारी की रिपोर्ट। समय तो मेरा फोकस केवल हरिद्वार के अंदर हम पंचायत का चुनाव जीते, ये महत्वपूर्ण है। ये चुनाव के बाद का एक बड़ा पड़ाव है, इसलिए पंचायत का चुनाव जीतने की बात होनी चाहिए। यदि किसी के कदम से, मेरे किसी कदम से यदि हरिद्वार के अंदर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है और या कांग्रेस में कुछ गलत संदेश जा रहा है तो उससे बचना चाहिए, और इसलिए मैं किसी की कही बात पर कोई टिप्पणी नहीं।